हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम पर वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। वेन डायग्राम में मैंने बेसिक बातें जो हमें याद करने जब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को तो उसको याद करते हैं, यानी रखते हैं अपने दिमाग में कौन कौन सी बातें। यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, पहली बात होती है यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके। और दूसरी होती है साइंटिफिकली प्रूफ, ओके, यानी कि वो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित होनी चाहिए वो बात, ओके। तीसरी बात होती है लॉजिकली, तर्क अनुसार होनी चाहिए, उस बात का तर्क होना चाहिए, तर्क विहीन बात नहीं होनी चाहिए। जो भी हम डायग्राम बनाते हैं वर्ड्स को नजर में रखते हुए, वर्ड्स को देखते हुए जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, वो तीनों में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, यानी कि वो बात जो हम बोल रहे हैं, जो बना रहे हैं, उस बात सही हो, जैसा डायग्राम बना रहे हैं अगर, तो वो बात हमारी सही हो, तब हम हमारा वो प्रश्न सही होता है, डायग्राम हमारा सही होता है। तो दो तीन चीजें हमें याद में रखनी होती हैं, और उनको अगर हम याद में रखते हैं लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तीन चीजें होती मेनली। और वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और क्या है एक चीज की सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करना आना चाहिए, ओके। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, ओके। तो चलिए, पहला वर्ड है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका आदमी कृंतक और सजीव। अब देखिए, ये तीन वर्ड है आदमी, कृंतक और सजीव। देखिए इसके जो डायग्राम बनेंगे, कैसा डायग्राम इसका प्रॉपर डायग्राम बनेगा, मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है ये, चार ऑप्शन आपके पास आ गए, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि हमें लॉजिकली सोचना है, क्या सोचना है, सोचने वाली बात क्या है। इसमें हम केस देखते हैं, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए केस। केस मींस अगर आपने न्याय निगमन पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक, सभी का और कुछ का केस देखते हैं कैसे। देखिए पहला वर्ड क्या है आदमी। अब देखिए सभी का क्या होता है, सभी का केस होता है इस तरह का, और कुछ का डायग्राम होता है इस तरह का। ये डायग्राम आपको आना चाहिए सभी का और कुछ का, ओके। अब देखिए ये जो आदमी है, अब देखते क्या है कि क्या सभी आदमी कृंतक होते हैं। अब कृंतक क्या होते हैं, कृंतक का मतलब ये होता है कि कृंतक का मीनिंग होता प्रॉपर ये है कि एक ऐसे जंतु, ऐसे छोटे प्राणी जिनके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, जैसे चूहा, और आप जिसके यानी कि छोटा प्राणी हो और दांत उसके शार्प तेज हो, ठीक है, उनको कहते हैं हम कृंतक, ओके, ठीक। और तो क्या ऐसा होता है सभी आदमी कृंतक होते हैं, क्या सभी आदमी के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं या शार्प तेज होते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता, ओके। क्या कुछ आदमी के दांत होते हैं नुकेले तेज शार्प, नहीं होते, ऐसे नहीं होते हैं, यानी कि आदमी का कृंतक से कोई भी संबंध नहीं है, ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब आदमी का संबंध हम सजीव से देखते हैं, आदमी का संबंध हम सजीव से देखते हैं। क्या सभी आदमी सजीव होते हैं, क्या सभी आदमी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सभी आदमी सजीव होते हैं,
तो बिल्कुल होते हैं। अगर आदमी है, मानव है, तो सजीव भी है। सजीव मीन्स जो जीवित हो, जीवित प्राणी, उसको सजीव कहते हैं। ओके, तो सभी आदमी सजीव होते हैं। मान लो सभी का केस तो लग गया, अब आप सोचेंगे कुछ का केस लगाए। कुछ आदमी सजीव होते हैं, क्या सभी आदमी सजीव नहीं होते? ये तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। तीन चीजें मैंने बताई थी ना, तीन चीजों को हमें, अब ह्यूमर अपने सेंस का भी यूज करेंगे यार, तो आप सोचेंगे क्या सभी आदमी सजीव नहीं होते? क्या कुछ ही आदमी सजीव होते हैं? ठीक है, तो बात क्या हुई, सभी का केस बना कि सभी आदमी सजीव होते हैं। ओके, बात हो गई आदमी की, इसका इससे हो गया, इससे भी हो गया। ठीक, अब देखेंगे आदमी का, सॉरी, कृंतक का सजीव से। कृंतक का सजीव से, क्या सभी कृंतक सजीव होते हैं? मान लीजिए जिसके दांत होंगे तो वो तो सजीव होंगे ही। ठीक है, चूहा हो गया, बिल, और कौन हो सकता है? ठीक है, यानी कि छोटे प्राणी जिनके दांत शार्प होते हैं, अगर वो प्राणी हैं तो सजीव भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सभी कृंतक सजीव होते हैं, यानी कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो सभी पर बनेगा। लेकिन एक बात को याद रखें, इसमें आदमी और कृंतक का कोई संबंध नहीं होगा। क्या बताया मैंने, केस जो बनेगा वो सभी का बनेगा, लेकिन आदमी और कृंतक का कोई भी संबंध नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम पहले इनको छोड़ करके हम अपने छोटे छोटे डायग्राम बनाए, कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बताया था, सभी आदमी सजीव होते हैं, सभी ये आदमी हो गए, सजीव होते हैं, सभी आदमी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ओके, फिर क्या है, सभी कृंतक सजीव होते हैं, ये बात भी सही है, सभी कृंतक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। अब देखिए, अब हमें दोनों को मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। जब हम इसको मर्ज करेंगे तो देखिए, सजीव तो दोनों होते हैं, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई, लेकिन अब कृंतक और आदमी का हमें कोई संबंध नहीं दिखाना है। तो ये आदमी हो गया, ये कृंतक हो गया, तो ये जो बनेगा क्या, सभी आदमी सजीव होते हैं, सभी कृंतक सजीव होते हैं। तो हमारा कौन सा बन जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया सजीव, ये हो गया आदमी, और ये हो गया कृंतक। ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा और राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, पहले दूसरा प्रश्न है आपके सामने। अंग्रेजी का शिक्षक, अंग्रेजी का शिक्षक, प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक, और क्या है, और अप्रिय शिक्षक, अंग्रेजी का शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक और अप्रिय शिक्षक। अब देखिए, मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो अब देखिए, समझिए बात को, क्या है, अंग्रेजी का शिक्षक, प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक और अप्रिय शिक्षक। तो आप ये समझिए, क्या
प्रश्न करिए इनसे, क्या सभी अंग्रेजी के शिक्षक, क्या सभी अंग्रेजी के शिक्षक प्रसिद्ध अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं? जितने भी अंग्रेजी के शिक्षक हैं भारत देश में, क्या सभी प्रसिद्ध हैं, अंग्रेजी के ही शिक्षक हैं? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, और लेकिन अब दूसरा केस इससे उल्टा करिए, क्या सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक, क्या सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी के शिक्षक हैं? अगर कोई प्रसिद्ध अंग्रेजी का शिक्षक है, सभी मान लीजिए, सभी मान लीजिए जितने भी हैं, 10, 5, 20 जितने भी हैं, वो तो अंग्रेजी के शिक्षक हैं, यानी कि केस क्या बना, सभी अंग्रेजी के शिक्षक, सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी के शिक्षक, पॉपुलर इंग्लिश टीचर, सभी अंग्रेजी के शिक्षक क्या है, अंग्रेजी के शिक्षक हैं, प्रसिद्ध, सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी के शिक्षक क्या है, अंग्रेजी के शिक्षक हैं, इंग्लिश टीचर, जो प्रसिद्ध टीचर हैं इंग्लिश के, वो इंग्लिश टीचर तो है ही है। ओके चलिए, क्या सभी अंग्रेजी टीचर अप्रिय हैं, क्या सभी अंग्रेजी टीचर अप्रिय हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी अप्रिय नहीं हो सकते। तो क्या सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी टीचर अप्रिय हैं? सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी टीचर अप्रिय हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो होगा कौन अप्रिय टीचर? कुछ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कि अंग्रेजी के शिक्षक अप्रिय हो सकते हैं, कुछ, सभी नहीं। तो यहाँ पे कुछ का केस बनेगा, सभी का नहीं, क्योंकि सभी न सभी अप्रिय नहीं हो सकते हैं। ओके, सभी टीचर अप्रिय नहीं हो सकते हैं। ओके, तो यानी कि कुछ टीचर अप्रिय हो सकते हैं। ओके, तो हमारा कौन सा केस बनेगा, हमारा केस बन जाएगा ये प्रसिद्ध इंग्लिश टीचर हो गए, यानी सभी प्रसिद्ध इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर हैं। ओके, और कुछ अप्रिय टीचर हैं, कुछ अप्रिय इंग्लिश के टीचर हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सबसे करेक्ट और सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रश्न की व्याख्या जितनी अधिक होगी आपको समझने में उतना ही आसान होगा। ठीक है, अगर हर एक प्रश्न की बातें आपको क्लियर होती जा रही हैं, तो आपको चैप्टर में पकड़ बनाने की ज्यादा देर नहीं लगेगी, चैप्टर में पकड़ बनाने में। ओके चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष पिता वकील, पुरुष पिता वकील। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब समझिए बात को, समझिएगा क्या कह रहा हूं। सभी पुरुष पिता होते हैं, कह रहा हूं मैं सभी पुरुष पिता होते हैं, ये बात सत्य है। क्या सभी पुरुष पिता होते हैं? बिल्कुल गलत है। कुछ पुरुष पिता होते हैं, हाँ कुछ होते हैं। ओके, कुछ पुरुष पिता होते हैं। ओके, क्या सभी पुरुष वकील होते हैं, क्या सभी पुरुष वकील होते हैं?
बिल्कुल नहीं, महिलाएं भी वकील होती हैं, ठीक है, महिलाएं वाली बात नहीं, सभी पुरुष वकील नहीं होते। अगर सभी पुरुष वकील ही हो जाएंगे तो बाकी इंजीनियर डॉक्टर ये सब कहाँ जाएंगे। ओके, तो सभी पुरुष वकील नहीं होते, कुछ पुरुष वकील होते हैं, ये बात सही, यानी यहाँ पे कुछ का केस चला। ओके, क्या सभी पिता, अब देखिए आपने यहां से कर लिया, अब उल्टा चलिए, क्या सभी पिता पुरुष होते हैं, क्या सभी पिता पुरुष होते हैं। बिल्कुल सही, सभी पिता पुरुष होते हैं। क्या कहा मैंने, सभी पिता पुरुष होते हैं, अगर वो पिता है तो पुरुष है। ओके, क्या सभी वकील पिता होते हैं, क्या सभी वकील पिता होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि जो वकील है वो पिता हो, ठीक है, उसकी शादी ना हुई हो तो वो पिता नहीं होगा। ओके, और क्या सभी पिता वकील या सभी वकील पिता नहीं होते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो बात क्या समझ में आई कि सभी पिता क्या होते हैं, सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी, क्या सभी पिता पुरुष होते हैं। ओके, सभी पिता पुरुष होते हैं। फिर क्या है, अब देखिए कुछ पुरुष और कुछ पिता, क्या कहा मैंने, कुछ पुरुष और कुछ पिता क्या होते हैं, वकील होते हैं। सभी ना पुरुष वकील होते हैं, सभी ना तो पिता वकील होते हैं, लेकिन कुछ पिता और कुछ पुरुष जरूर वकील होते हैं, कुछ पिता और कुछ पुरुष ये क्या होते हैं, वकील। देखिए कुछ वकील जो पिता होते हैं यहाँ पे आ गए, और जो पुरुष होते हैं कुछ वो यहाँ पे आ गए। बात समझ में आ गई आपको, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये हो गया हमारे पिता, ये हो गए पुरुष, और ये यहाँ पे हो गया वकील, ठीक। अगर आपको समझना है क्या कि कुछ पिता वकील होते हैं, मैंने कहा ऐसा, तो ये पिता जो है ये वकील है। ओके, ठीक, जो मैंने कहा कुछ पुरुष वकील होते हैं, ये वाले जो पुरुष है ये वकील है। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चार क्या है, शिक्षित व्यक्ति, बेरोजगार, और शिक्षक। ठीक, चलिए ये ऑप्शन हो गए आपके सामने, अब देखिए देखिए और आप केस लगाइए, क्या सभी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, भारत में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं क्या सभी बेरोजगार हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। ओके, कुछ, क्या सभी शिक्षित व्यक्ति, क्या
सभी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक होते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल ही गलत। सही शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते, सॉरी शिक्षक नहीं होते हैं, कुछ और भी उनका पेशा होता है। सभी शिक्षा मतलब टीचर तो बनते नहीं, ओके ये हो गया, यानी कुछ शिक्षित व्यक्ति शिक्षक होते हैं, ठीक ये बात सही, ओके। अब हम उल्टा चलते हैं, क्या सभी शिक्षक बेरोजगार होते हैं? ये तो बात ही नहीं बन रही है, अगर वो शिक्षक है तो बेरोजगार कैसे हो सकते हैं, ओके। क्या सभी शिक्षक शिक्षित व्यक्ति होते हैं? ये बात सही है, सभी शिक्षक शिक्षित व्यक्ति होते हैं, अगर वो कोई टीचर है तो पढ़ा लिखा इंसान तो है, ओके। तो बना क्या, यानी कि सभी शिक्षक, इसमें डायग्राम कैसे बन रहा है, सभी शिक्षक देखिए यहां पे, सभी शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, ओके। सभी शिक्षक शिक्षित व्यक्ति होते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। कुछ वाला केस यहां वाला था, यहां पे बन जाएगा कुछ शिक्षित, कुछ शिक्षित बेरोजगार। अब देखिए, अगर आप इसको किसी प्रकार से देखते हैं, ये डायग्राम आपका गलत नहीं हो सकता। कैसे, सभी शिक्षक शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जितने भी शिक्षक होते हैं वो शिक्षित व्यक्ति के अंतर्गत ही आएंगे, कोई अशिक्षित तो होगा नहीं, ओके। लेकिन क्या सभी, अगर मैं इसी गोले को यहां से कर देता तो इसका मतलब ये हो जाता कि कुछ शिक्षित व्यक्ति और कुछ शिक्षक वो बेरोजगार है, ऐसा तो होता नहीं, शिक्षक तो बेरोजगार हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कुछ शिक्षित व्यक्ति, कुछ शिक्षित व्यक्ति इतने वो बेरोजगार है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ये हो गया, क्या टीचर हो गए शिक्षक और ये पढ़े एजुकेटेड व्यक्ति हो गए, एजुकेटेड हो गए और वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। बात समझ में आई आपको, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन और फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच, न्यायाधीश चोर अपराधी, न्यायाधीश चोर अपराधी, ये तीन वर्ड है, ऑप्शन ये आपके पास ऑप्शन होगा। अब देखिए, सॉरी
न्यायाधीश चोर अपराधी, ठीक है, क्या सभी न्यायाधीश चोर होते हैं? क्या सभी न्यायाधीश चोर होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ न्यायाधीश चोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको चोर नहीं दिखाएंगे, बात को समझिए, मतलब होते भी है ठीक, और लेकिन हम उनको यहाँ पे दिखा नहीं सकते कि वो चोर होते ही है, ओके, तो उनको हम चोर और अपराधी से उनका कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ओके ठीक। क्या सभी चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सभी अपराधी चोर होते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी ने कत्ल किया, किसी ने रेप किया, किसी ने और कुछ किया, यानी कि सभी के सभी अपराधी चोर नहीं होते हैं, ठीक है, तो सभी लेकिन चोर अपराधी होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि सभी चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। लेकिन ये जो न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश हमारा ना तो अपराधी से कनेक्शन होगा ना तो चोर से कनेक्शन होगा, ठीक है, इनको हम अलग कर देंगे इनसे, न्यायाधीश, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, क्या होगा, ये चोर, ये अपराधी और ये न्यायाधीश, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है मानव शिक्षक स्नातक, मानव शिक्षक और स्नातक ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, चलिए क्या मानव शिक्षक स्नातक, क्या सभी मानव शिक्षक होते हैं? क्या सभी मानव शिक्षक होते हैं? आपके सामने, आमने सामने रहने वाले लोग क्या सभी शिक्षक हैं? बिल्कुल नहीं है, कुछ शिक्षक, कुछ मानव शिक्षक हो सकते हैं, ओके। अब यहां से देखिए, क्या सभी शिक्षक मानव होते हैं? क्या सभी शिक्षक मानव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मानव मीन्स यहाँ पे पुरुष ही नहीं है, मानव मीन्स यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। कोई कहे कि यहाँ पे सभी मानव कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे मानव का मतलब ये हुआ कि सभी पुरुष और महिलाएं, मानव का मतलब समझ रहे हैं ना बात को, ठीक। यानी कि सभी शिक्षक, सभी टीचर मानव होते हैं, ये बात क्लियर है? बिल्कुल। क्या सभी मानव स्नातक होते हैं? स्नातक मीन्स क्या उनके पास डिग्री होती है, स्नातक, ठीक, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, क्या सभी के पास होती है? आपके आमने सामने रहने वाले लोगों के पास क्या सबके पास स्नातक की ही डिग्री है? ऐसा नहीं होता, हाँ, लेकिन कुछ के पास होता है, स्नातक होता है, उससे ज्यादा की भी डिग्री होती है, लेकिन सबके पास तो पॉसिबल नहीं है कि सबके पास ही, जितने भी मानव जाति के लोग हैं अपने पृथ्वी पे, सबके पास स्नातक की डिग्री हो, इज नॉट पॉसिबल, ओके, तो हाँ कुछ के पास हो सकती, ओके,
तो यानी कि यहाँ पे जो केस बना कुछ का बना और शिक्षक का सभी का बना, यानी कि और एक बात और, सभी अब देखेंगे यहाँ पे सभी शिक्षक स्नातक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी शिक्षक हैं वो स्नातक ही हो। ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम होने की चांस ही नहीं है, अगर कम है तो शिक्षक बनेगा ही नहीं। इसका मतलब कि सभी तो स्नातक होते नहीं, कुछ हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं। ओके, यानी कि केस जो बना हमारा क्या कि सभी शिक्षक, सभी शिक्षक मानो ओके, और सभी स्नातक मानो, ये भी बात सही है। कुछ एक्सट्रीमली श्योर इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बनेगा, हाँ लेकिन एक चीज है कि सभी मानव स्नातक तो नहीं हो सकते हैं, सभी मानव स्नातक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी स्नातक की डिग्री स्नातक किया है वो सभी मानव हो सकते हैं, यानी कि सभी स्नातक मानव होंगे, वो कोई जानवर तो होंगे नहीं, यानी कि सभी स्नातक क्या होंगे, मानव होंगे, सभी शिक्षक मानव होंगे, लेकिन कुछ शिक्षक क्या होंगे, स्नातक होंगे, ना तो सभी के सभी स्नातक शिक्षक होंगे, ना सभी के सभी शिक्षक स्नातक होंगे, कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, कुछ यानी कि यहाँ पे कुछ का केस बना। तो क्या बना, सभी शिक्षक मानव है, सभी शिक्षक ये हो गए, सभी शिक्षक ये शिक्षक हो गया, ओके, और सभी स्नातक क्या हुआ, मानव। एक चीज और, क्या क्या बताया, सभी शिक्षक मानव है, सभी स्नातक जिन्होंने कर रखा है वो मानव है, लेकिन एक केस छूट गया ना बीच का, कौन सा, कि कुछ शिक्षक स्नातक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं यही कुछ जो शिक्षक है वो स्नातक है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और प्रश्न चाहे जितने भी कर लें, अगर हमारे दिमाग कॉन्सेप्ट और थ्योरी का कुछ भी भाग आ जाता है तो हम प्रश्न उनसे बना सकते हैं, प्रश्नों की संख्या चाहे जितनी बढ़ा ले कोई मतलब होने वाला नहीं। हाँ प्रैक्टिस करिए आप, ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो मिलेंगे अब कल की क्लास में, और तब तक के अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारी आने वाली सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगी, और तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।